खबर शामिल करते हैं। डीएनए न्यूज सखर हमारी डिवीजन ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन शाह, नेशनल पीस कमेटी, इंटरफेथ हारमनी, बैनुल मजाहिब हम आहंगी, ए पाकिस्तान तहसील टंडवादम जिला सांगढ़ की जानिब से NPCIHA टंडवादम जिला सांगढ़ की ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। ऑफिस का इफ्तिताह NPCIHA पाकिस्तान के मरकजी सेंट्रल चेयरमैन सैयद अली शाह राशिदी ने किया। सैयद अली शाह राशिदी के साथ अलामा मोहम्मद सच्चल बूढ़ो, सदर कासिमाबाद सैयद फैसल शाह राशिदी, आजम दस्ती चेयरमैन कासिमाबाद हमरा थे। इफ्तिताही तकरीब के बाद अफ्तार पार्टी का भी इनेकाद किया गया। सैयद अली शाह राशिदी का टंडवादम मोहम्मदी चौक पर NPCIHA जिलाई सांगढ़ के चेयरमैन अशरफ खास खेली, जिलाई सांगढ़ के सीनियर वाइस चेयरमैन नासिर कुरैशी, जिलाई सांगढ़ के जनरल सेक्रेटरी मजहर चांडियो, जिलाई सांगढ़ के वाइस चेयरमैन दानियाल खलजी, तालका टंडवादम के वर्किंग कमेटी के मोहम्मद रफीक गौरी, तालका सदर इम्तियाज खास खेली वाइस चेयरमैन शाहनवाज चांग, NPCIHA के अहदेदारान मेम्बरान व आवाम की बड़ी तादाद ने सैयद अली शाह राशिदी का इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। इस्तकबाल के दौरान NPCIHA और आवाम ने अपने हाथों में कौमी परचम उठाए शिरकत की। ऑफिस के इफ्तिताह और अफ्तार पार्टी के बाद सैयद अली शाह राशिदी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जिस दिन वजूद में आया वो दिन हमारे नज़दीक कौमी ईद की हैसियत रखता है। आज़ादी अल्लाह जल जलाल की एक नेमत है जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। पाकिस्तान अल्लाह जल जलाल की तरफ से हमें अता की गई एक नेमत और तोहफा है जिसकी बका व सलामती और उसके नज़रिए की हिफाजत करना हमारा दीनी व कौमी फ़र्ज है। हम तहरीक पाकिस्तान के लीडर्स को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अनथक मेहनत और जानी व माली कुर्बानियों से बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा आज़ाद मुल्क हासिल किया। कायद अजम साहब व इकबाल साहब ने जिस पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा था हम उसकी तकमील के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर कायद अजम का ख्वाब पूरा करेंगे। हम कश्मीरी बहन व भाइयों की हर महाज व प्लेटफॉर्म व इखलाकी सपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान की बका व सलामती की खातिर अफवाज पाकिस्तान इंटेलिजेंसिस के जवान, पाक आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के जवानों ने जानी कुर्बानियाँ देने से कभी गुरेज नहीं किया। हम उनकी अजमत, बहादुरी व कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। हम हर मुश्किल घड़ी में मुल्क की सलामती की खातिर अपनी अफवाज के साथ हर महाज पर साबित कदमी से खड़े रहेंगे और हर किस्म की कुर्बानियाँ देने से कभी नहीं घबराएंगे। खुशहाल व पुरअमन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम सूबाइत, लासानियत, मजहब व कौमियत के फ़र्क से बालातर होकर फ़कत पाकिस्तानी बनकर इत्तेफाक, रवादारी व मोहब्बत से रहें।